सब्सक्राइब कीजिए टेक नंबर वन चैनल को और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक नंबर वन। फ्रेंड्स, यदि आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि डेटा ऑन करने पर भी आपको ई सिंग आ रहा है फ्रेंड्स, कुछ आ नहीं रहा है, केवल ई लिखा हुआ आ रहा है फ्रेंड्स, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको पहले बता दूँ, आपको यदि मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है फ्रेंड्स, तो आप एयरप्लग का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। मेरे पास कोई यूट्यूब सेटअप नहीं है फ्रेंड्स, मैं अपने घर की छत पे वीडियो बनाता हूँ, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये ऊपर मैं आपको डेटा ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ई की जगह कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो डेटा चालू नहीं हो रहा है। तो अभी हम डेटा ऑफ करेंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। अभी हम MI फ़ोन यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, यदि आप कोई अदर फ़ोन यूज़ करो तो यहाँ पर ये मोर या मोबाइल नेटवर्क लिखा हुआ आता है, उसमें आप देख सकते हैं। और अभी हम सिम कार्ड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर सिम पे सिलेक्ट करेंगे, तो आपको ये ढूंढना होगा आपके फ़ोन में परफेक्ट नेटवर्क टाइप, ये आप ढूंढ लीजिएगा आपके फ़ोन में। आप जो भी फ़ोन यूज़ करते हो सब में रहता है फ्रेंड्स ये। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 2G ओनली सेव बैटरी इस पर सिलेक्ट है हमारा। तो एक मेन कारण तो ये हो गया फ्रेंड्स, किसी फ़ोन में यहाँ पर GSM लिखा हुआ रहता है, किसी में CDMA लिखा हुआ रहता है, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमको करना होगा प्रेफर LTE। किसी किसी फ़ोन में फ्रेंड्स यहाँ पर 4G 2G 3G ऐसा लिखा हुआ रहता है ऑटो मोड, तो उस पर आपको सिलेक्ट कर देना है जो भी आपके फर्स्ट में हो जिसमें 4G लिखा हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा 4G निशान आ गया है फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको अपना डेटा ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारा डेटा जो है चालू हो गया है फ्रेंड्स। और ये तो हो गया फ्रेंड्स एक इसका सॉल्यूशन। और एक और यदि हमारे साथ ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम कहीं ट्रेवल करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं और वहाँ पर हमको ई देखने को मिलता है फ्रेंड्स और डेटा ऑन नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना होगा फ्रेंड्स। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो और ई निशान आ गया और वो जा नहीं रहा है, तो आपको सिंपली एयरप्लेन मोड पर क्लिक कर देना है। 2 से 5 मिनट बाद आप अपना एयरप्लेन मोड हटा दीजिएगा फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया है, वहाँ पर 4G लिखा हुआ आ गया है और फिर आपने अपने डेटा ऑन कर लेना है, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।